आज बनाने जा रही हूँ ये बहुत ही प्यारा डोरमेट। इसके लिए मैंने मल्टी कलर यूज किया है, साड़ी और चुन्नी का यूज करके इसको बनाया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए डोरमेट बनाने के लिए मैंने इसमें 20 फंदे लिए हैं और ये मल्टी कलर की पट्टियाँ जो मैंने कपड़े से फाड़ रखी हैं ये ली हुई हैं। और देखिए आप पेयर के हिसाब से जितना बड़ा बनाना चाहते हैं वो आप फंदे डाल लीजिए। इसमें मैंने 20 फंदे में बता रही हूँ आपको। और देखिए यहाँ से ये देखिए यहाँ पे दो फंदे छोड़ देंगे, 18 फंदे बुन लिए और इसको पलट लेंगे इस तरीके से। दोनों तरफ से इसको ऐसे ही बुनेंगे। ये देखिए यहाँ से एक फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे। आप देखिए दो फंदे फिर से छोड़ दिए मैंने और यहीं से इसको फिर से पलट लेंगे। और देखिए लास्ट दो फंदों तक मैं इसको बुनूंगी, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे दो फंदे तक इसको दो दो करके सारे फंदे छोड़ दिए। आप देखिए यहाँ से मैं कलर चेंज करूँगी, आपके पास जितने भी कलर हों आप इसमें लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, और इस रो में सारे फंदे बुन लूँगी। ये देखिए इसको लास्ट तक बुन लेती हूँ मैं। अब देखिए इधर से भी इसको उल्टा ही बुनेंगे इस तरीके से। इसको कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये दो रो कंप्लीट कर ली हैं, इधर से भी उल्टी और इधर से भी उल्टी। अभी मैं यहाँ पे चार रो और करूँगी। ये गांठ स्टिच तीन दिखने लगेंगी, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आप। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये एक दो तीन तीन रो बना ली हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं फिर से कलर चेंज करूँगी और यहाँ से देखिए धागा मैंने ये चेंज कर लिया, कपड़े की पट्टी येलो को वहीं छोड़ दिया मैंने। अब इससे येलो से भी इसी तरीके की रो बनाऊँगी मैं। ये देखिए इधर से भी इसको उल्टा बुनेंगे और इधर से भी। ये देखिए ऐसे ये बना लिया है। अब देखिए यहाँ से एक फंदा उतार के धागा आगे करके और यहाँ से भी इसको उल्टा ही बुनेंगे। और देखिए जितनी रो मुझे इसमें डालनी है वो आप अपने इस चौड़ाई के हिसाब से डालिए। रो डालने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको कितना इसमें मैं कितनी रो डालती हूँ। तीन तीन रो डालूँगी मैं इस तरह की। ये देखिए मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। और देखिए यहाँ से मैंने एक दो तीन चार पाँच छः सात सात ये डिजाइन डाली हैं। आप अगर चौड़ा बना रहे हैं तो आप ये डिजाइन भी अपनी बढ़ा लें ये रो। और देखिए यहाँ से मैंने ये रेड धागा लगाया है उल्टी तरफ से। ये देखिए एक रो मैंने यहाँ से बुनी है। आप देखिए मैं इस तरीके से बनाऊँगी लेकिन थोड़ा चेंज करेंगे। पहले मैंने यहाँ से इस साइड से फंदे घटाना दो दो करके स्टार्ट किया था, अब मैं
इस साइड से फंदे दो दो घटा के लाऊंगी, यहाँ से दो दो स्टार्ट करूँगी और ले आऊँगी, तब ये इस तरीके का कोना बन के कम्प्लीट हो जाएगा। और देखिए ये, तो यहाँ से मैं एक फंदा उतारती हूँ, धागा आगे करती हूँ, ये देखिए यहाँ पे अब मैं ये वाले दो फंदे छोड़ूंगी और यहीं से इसको पलट लूँगी। पहले देखिए मैंने इधर से छोड़े थे, तो देखिए अब इस तरह से ये बन के कम्प्लीट होगा। तो यहाँ से मैंने दो फंदे छोड़ दिए और यहीं से इसको पलट लिया और इस रो को ऐसे ही कम्प्लीट कर देंगे। अब देखिए मैं सीधे साइड आ गई हूँ, पहले मैंने ये दो फंदे छोड़े, फिर मैं इस तरह से दो दो फंदे छोड़ते हुए लास्ट दो फंदे तक इसको भी बनाऊँगी जिस तरह से मैंने ये वाला बनाया था। तो इसको कंप्लीट कर लेती हूँ मैं, ये देखिए मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है, लास्ट दो फंदे तक इसको घटा दिया है। आप देखिए यहाँ से मैं सभी फंदे बंद करूँगी, दो का एक करते हुए इन फंदों को बंद कर दूँगी ऐसे। तो इसको मैं ऐसे ही बंद कर लेती हूँ सारे फंदे, ये देखिए मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है और सारे फंदे यहाँ से क्लोज करके और देखिए कंप्लीट कर लिया है। इतना इजी है कि जिसको उल्टा और सीधा बुनना आता है वो भी इसको बना सकता है और सिंपल है, बहुत जल्दी बनने वाला है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।